आरजेडी से नाता तोड़ने और बीजेपी के सामने अपनी शर्तें थोपने और उसे बीजेपी द्वारा गंभीरता से ना लिए जाने से जेडीयू मंचधार में है। एनडीए को उसने अब एक नया दाना डाला है। दुहाई 2015 के चुनाव की दी गई है और मांग की गई है एनडीए घटक दलों के परफॉर्मेंस के आधार पर लोकसभा सीटों के बंटवारे की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। जेडीयू के लिए फिलहाल दो के मल्टीपल ऑप्शंस बंद हैं। यारी सिर्फ एनडीए के साथ गांठी जा सकती है, लेकिन उसमें भी नीतीश बाबू गठबंधन अपनी ही शर्तों पर टहते हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से कोई गंभीरता दिखाई नहीं गई, लिहाजा उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार इसके बावजूद अपने पुराने रुख पर ही कायम है, लेकिन इस बार उनकी बात में जरा ट्विस्ट है। उन्होंने ज्यादा सीटें पाने की शर्त पर गठबंधन होने की पुरानी बात को नए तरीके से पेश किया। जो बड़ा राजनीतिक दाव उनकी ओर से चला गया है, उसके मुताबिक उनका प्रस्ताव है, गठबंधन में शामिल बीजेपी, लोजपा, जेडीयू और आरएलएसपी की स्थिति आंकी जाए और सीटों का बंटवारा 2015 के चुनावी नतीजों के आधार पर किया जाए। अगर उनके सुझाव पर विचार किया जाता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जेडीयू को ही होगा, क्योंकि 2015 के चुनाव में उसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था। इसके पीछे नीतीश का तर्क है, 2015 का विधानसभा चुनाव राज्य में सबसे ज्यादा शक्ति परीक्षण था और आम चुनावों के लिए सीट बंटवारे में इसके नतीजे की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हालांकि जेडीयू की इस मांग पर बीजेपी रामविलास पासवान की एलजेपी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी का मानना लगभग असंभव माना जा रहा है। हालांकि अभी भी इन चारों पार्टियों के बीच बिहार की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक चर्चा होनी बाकी है। इस बीच जेडीयू के इस फॉर्मूले को बीजेपी हकीकत से परे मान रही है, जिसमें दम भी है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के महज दो ही उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी और उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बावजूद ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए जेडीयू कई हथकंडे अपना रही है। माना यह भी जा रहा है कि अपनी बात न माने जाने पर ही सांकेतिक नाराजगी दिखाने के लिए जेडीयू योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों से भी दूर रही और आगामी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा भी कर डाली। हालांकि उसके ऐसा करने से भी एनडीए गठबंधन के अन्य दलों पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट जनता टीवी।